गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो सुबह के बजे हैं 5:30 और मैं उठ चुका हूँ, और मैं हूँ आप लोगों का दोस्त रवि। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा ले, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच चुके। मैं आज इतनी जल्दी इसलिए उठ गया हूँ क्योंकि मुझे जाना है जिम में मेरे भाई के साथ। अभी मेरा भाई आने वाला है 2 मिनट में, तो हम जिम में जाएंगे। एक दिन मैं जिम गया था पहले, 3-4 दिन पहले, तो मेरी बॉडी काफ़ी पेन करने लगी थी। आज थोड़ी ठीक है, अब धीरे धीरे। उस दिन मैंने कुछ ज़्यादा कर ली थी तो ज़्यादा दर्द हो रहा था पूरी बॉडी में, अब ठीक है। तो अब मैं धीरे 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 स्टार्ट करूँगा, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद स्टार्ट की थी तो ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। तो बस अभी हम जस्ट निकलने वाले हैं और फिर मिलते हैं आपसे जिम करने के बाद। सुबह के 7:30 बज चुके हैं और नहा धो के मैं हूँ रेडी अपनी दुकान पर जाने के लिए। और आज मैं एक जगह और जाऊँगा, तो ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिए ब्लॉग के साथ। पहले तो चलते हैं अपनी दुकान पर। मैं जा रहा हूँ अभी कुछ थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए, हमारे पास ही है नज़दीक, वहाँ पे गाड़ी आएगी सामान की और एक शॉप पे रखा है वो। तो चलते हैं फिर, अपन आधे रास्ते में तो आ चुके हैं, थोड़ी सी दूर और बाकी है। सारा सामान तो ले लिया है और मैं चल पड़ा हूँ वापस। टाइम हो गया अभी 10 बज चुके हैं, तो आप देख सकते हैं गाड़ी में कितना सारा सामान लोड है, मतलब कोई जगह नहीं बची। ये साइड में भी रखा है, पीछे भी रखा है, मतलब सिर्फ मैं बैठा हूँ यही सीट बाकी है और बाकी सारी सीट भरी हैं। और अभी मेरे को सिर्फ 20 मिनट आधा घंटा लगेगा घर पहुँचने में। घर नहीं, मैं दुकान पे जाऊँगा अपनी, वहाँ पे सारा सामान उतारना है। तो ये देखिए आप, मतलब पीछे तक सारी फुल है एकदम से, सीटों के पीछे नीचे हर जगह सामान ही सामान है। तो अभी मैं गाड़ी ड्राइव कर लेता हूँ और फिर मिलते हैं आपसे, क्योंकि सेफली चलाना बहुत ज़रूरी है। दोपहर के 1:45 हैं और मैं अभी घर आया हूँ। लगभग 4-5 घंटे बाद मैंने वीडियो शूट करनी शुरू की है। जैसा कि आपने देखा, मैं वो सामान लेके आया था, मैंने सारा वो उतारा के लेने और फिर दुकान में सेट किया, कुछ तो बचा भी है अभी। और अभी मैं खाना खाने के लिए आया हूँ, तो काफ़ी तेज़ भूख लग गई थी मेरे को। और मेरी माँ है नहीं, यहाँ पड़ोस गई हुई है, वहाँ उनके कुछ प्रोग्राम था। तो मैं खाना खा के थोड़ा सा रेस्ट करके और फिर जाऊंगा अपनी दुकान पे आराम से, मस्त। मैं नीचे लेट गया, देख सकते हैं आप, अभी रोटी डाल दो मेरे। तो अब मैं खाऊंगा खाना, काफ़ी ज़बरदस्त भूख लग रही है। मैं शॉप पे आ चुका हूँ और मैंने अपना सारा सामान जो कि सेट कर दिया है। अब घर से आने के बाद ही मैंने काफ़ी सामान लगाया, तुम्हें दिखा तो मैं क्या क्या लेके आया। तो ये चॉकलेट देखिए आप, ये बिल्कुल, ये फ्रीज है, ये बिल्कुल भरा हुआ है। और भी काफ़ी चॉकलेट हैं, ये देखिए, मतलब कि बहुत सारी चीज़ लेके आया हूँ मैं शॉप में, कुछ मैगी वगैरह, कुछ टोस्ट वगैरह, बहुत सारी चीज़ें आई आज नई नई। तो और अब मैं कर रहा हूँ बाकी का बचा हुआ काम, मेरे को एडिटिंग करनी है। आजकल मैं एडिटिंग दिन में ही करने लग गया, क्योंकि रात को फिर टाइम नहीं लगता और ना सुबह फिर कर पाता हूँ। तो मैं दिन में एडिटिंग करके तैयार कर देता हूँ, ताकि सुबह अपने आराम से वीडियो जो है पब्लिश हो जाए। तो मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा काम, और अभी दोपहर के बजे हैं, 4:30 का टाइम हुआ है। तो मिलते हैं फिर आपसे एडिटिंग करने के बाद। चुका हूँ अपने घर पे, लगभग 6 घंटे के बाद मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, क्योंकि बीच में ऐसा कुछ था ही नहीं शूट करने को। तो आने के बाद मैं नहाया हूँ, देख पा रहे मेरे बाल खिंड चुके हैं, बहुत बड़े भी हो चुके हैं। तो अब इनकी कटिंग करवाने की सोचेंगे थोड़ी सी। और ये शशांक पता नहीं क्या ही कर रहा है, ये देख सकते हैं आप, क्या है ये, थोड़ी साइड लाइट में। तो ये आप लोगों ने देखा होगा, पहले बहुत छोटे थे हम लोग या आप लोग, तो ऐसा कुछ करते थे। देखो नीचे इसने चुंबक ले रखा है, और ऊपर क्या, ये चुंबक के कण है जो मिट्टी से निकालते हैं, आयरन लोह के चुंबक के तत्व तो नहीं, मतलब मिट्टी में ऐसा कुछ मिला करके और फिर कागज के ऊपर वो रख करके नीचे चुंबक को हिलाने से मतलब डांस करता है ऊपर, ये जो बचे हुए कण है। तो ये आप लोगों ने भी किए होंगे, हमने भी किए हैं, मैं तो भूल गया था इसका नाम क्या है। और अभी बस खाने खाने की तैयारी करेंगे, गर्मी काफ़ी तेज़ है, यहाँ पे आके थोड़ा सुकून मिला है। तो
और काजल रोज की तरह जैसे ये प्रेस कर रही है, टी शर्ट के भी प्रेस करती है ये। मैंने बोला टी शर्ट के मत किया कर, उसको भी कर देती है। और भाभी ने चला दिया है टी, अब कोई मतलब नहीं वीडियो वगैरह शूट करने का, क्योंकि लाइट तो पहले बंद रखते हैं और एक टी की आवाज़ और अलग से। सर्दियों में अच्छी वीडियो बना करेंगे, क्योंकि ना पंखों की आवाज़ होगी, ना टीवी की आवाज़ होगी। टीवी की तो आवाज़ होगी लेकिन पंखों की आवाज़ भी ज़्यादा परेशान करती है। तो चलो अब खा लेते हैं फिर खाना। रात के 10 बज चुके हैं और सब सो चुके हैं, सिर्फ मैं ही जग रहा था, क्योंकि अब मुझे इस वीडियो को करना है एंड, तो इसलिए मैं जग रहा था। मैं कुछ काम भी कर रहा था, तो मैं करने जा रहा हूँ वीडियो का एंड। तो आप लोगों को कैसी लगी वीडियो कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं कल एक नई